जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। भक्तों, मैं अपने YouTube चैनल बालाजी कृपा में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि मंत्र का जाप कैसे करें, क्या तरीका होता है उसका, और किस तरीके से आपको करना चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, जाप करने के तरीके तो कई हैं, कुछ लोग बोल कर करते हैं। जैसे कि मैं हनुमान राम जी का मंत्र ले लेता हूँ, ठीक है, या हनुमान जी का मंत्र ले लेता हूँ, उससे आपको बताता हूँ। ओम राम रामाय नमः, ओम ओम राम रामाय नमः, ओम, इस तरीके से करते हैं कुछ लोग, मुंह से बोल के कुछ लोग ऐसे करते हैं, होंठ चला के, जीभ चला के, ठीक है, कुछ लोग ऐसे करते हैं जिसमें कि ना जीभ चल रही होती है ना होंठ चल रहे होते हैं, सिर्फ मन में जाप होता है, उसे मानसिक जाप बोलते हैं। कौन सा जाप करना चाहिए, कौन सा सही रहता है, कौन सा सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रहता है, ठीक है। और कुछ लोग आँख खोल कर जाप करते हैं, कुछ लोग आँख बंद करके जाप करते हैं, ठीक है, उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। पहले पहले आपको ये बताता हूँ कि लोग पूछते हैं मंत्र का जाप किस तरह करते हैं, माला जो होती है उसको जाप करना चाहिए किस तरीके से करना चाहिए। जो देखिए, ये मेरी रुद्राक्ष की माला है, ठीक है, ये रुद्राक्ष की माला है मेरी, और इसमें ये होता है सुमेरु, देख रहे हैं आप, सुमेरु होता है ये। तो सबसे पहले जब आप मार्केट से माला लेकर के आएंगे, ठीक है, तो उसको कच्चे दूध में रख दीजिए, गंगा जल डाल दीजिए थोड़ा सा उसमें, ठीक है, जल में गंगा जल लेकर थोड़ा कच्चा दूध डाल करके उसका पूजन कीजिए, तिलक कीजिए, और बोलिए प्रभु मैं इस माला से आपका जाप करूँगा। और माला से भी आप विनती करेंगे कि माला माले या माला बोल सकते हैं कि मैं आपसे प्रभु श्री राम या हनुमान जी का जाप करूँगा, तो जो भी मैं जाप करूँ उसको फलित करना और कृपा करना, और इसको साफ जगह पर रखेंगे, साफ स्थान में रखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये तरीका होता है। और जब जाप करेंगे आप, इस सुमेरु से शुरू करेंगे आप ऐसे, ठीक है, और कौन सी उंगलियों से, इन उंगलियों से बस, ये दो उंगलियां इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये टच नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से। ओम राम रामाय नमः, 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 इधर ओम राम रामाय, इस तरीके चल रही है ना माला, देखिए इस तरह चलती है। जब ये घूम करके आ जाएगी ना इस तरीके से, मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, यहाँ पर 108 हो गए, ठीक है। ओम राम रामाय नमः, 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 ओम। यहाँ पे आकर ये सुमेरु पे जब आ जाएंगे तो इस माला को पलट देंगे उस तरह से, ऐसे, तब फिर अगली माला शुरू। ऐसे नहीं करेंगे कि मान लो यहाँ पर आ गई और इसके बाद फिर से शुरू करें, ऐसे नहीं करेंगे, हमेशा पलटना है आपको, ऐसे पलटना है हमेशा, यहाँ पहुँचने के बाद वापस ऐसे पलटना है आपको। अगर ऐसा नहीं करेंगे, आप पढ़ते जाएंगे ऐसे, तो एक ही माला में काउंट होगी, ठीक है ना। सेंचुरी मारता है सचिन तेंदुलकर, और 140 रन बनाए उसने, तो वो भी 1 सेंचुरी होती है ना, और 199 बनाए वो भी 1 सेंचुरी होती है, ठीक है ना। और वो एक मैच में 100 बनाएगा, फिर अगले मैच में 100 बनाएगा, वो 2 सेंचुरी होंगी, तो वही है, मैंने शॉर्ट में थोड़ा क्रिकेट के तरीके से बता दिया। यहाँ पे आकर के आपको सुमेरु से आपको माले घुमा लेनी चाहिए, इन नए जो लोग हैं जिनको नहीं पता है उनके लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और माला को जब भी आप जपेंगे, ठीक है, जपने के बाद या तो प्रभु के मूर्ति पर लटका देंगे, उनके उनको पहना देंगे, ठीक है, वहीं पर रहने देंगे, पूजा पाठ सब वहीं पर करेंगे, और जब उस माला को उठाएंगे जाप करके फिर वापस रख देंगे, या फिर जाप करने के बाद कम से कम 10 मिनट के लिए इसको इस तरह से पहन लेंगे, क्योंकि माला में ऊर्जा होती है। जब आप जाप करते हैं, जाप करने की ऊर्जा समाहित हो जाती है इसमें, वो ऊर्जा आपके हृदय से लगी रहेगी, तो आपको अच्छा प्रभाव देगी, अच्छा फल देगी। 10 मिनट के लिए कम से कम इसको पहना कीजिए जाप करने के बाद, उसके बाद उतार करके पूज करके प्रभु को चढ़ा दीजिए, या फिर आप गंगा जल से छिड़क के प्रभु को पहना दीजिए, ठीक है ना। इस तरीके से करना चाहिए माला को, और हफ्ते में एक बार मंगलवार वाले दिन या शनिवार वाले दिन माला को साफ कीजिए, धो लीजिए, जल में डुबो के निकाल दीजिए, इस तरीके से, मतलब रगड़ के नहीं करना, टूट जाएगी, इस तरीके से। तो ये तो माला का तरीका होता है, 108 मन के होते हैं इसमें। लोग पूछते हैं कि माला किस तरह से जाप करते हैं, तो भैया एक सुमेरु से शुरू करते हैं, करते 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 जब सुमेरु पे वापस पहुंच जाते हैं तो वहां 108 हो जाता है, तो इसे बोलते हैं एक माला। फिर उसे घुमा लो, फिर शुरू करो, ऐसा कहूँ दो माला। अगर मैंने किसी मंत्र की आपको 21 माला बताई है तो वो 21 बार करना है आपको ऐसे, ठीक है। इसका मतलब ये है, नए लोग जो हैं वो मुझसे पूछते हैं, उनके लिए मैंने ये बताया है कि माला को किस तरीके से जपते हैं, कैसे जपते हैं। अच्छा, ये तो हो गया माला जपने का तरीका। अब मेरे को ये बताना है कि मंत्र जाप का तरीका, मंत्र जाप कैसे करें, कब ना करें, और क्या चलते फिरते घूमते फिरते काम करते करते कर सकते हैं कि नहीं।
सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मंत्र जाप आप भगवान की मूर्ति के सामने बैठ करके करेंगे, लाल आसन में और ध्यान लगा करके इस तरीके से, या फिर इस तरीके से, या हाथ में माला लेके यहाँ पर लेकर ऐसे, वो बताता हूँ आपको मैं, यहाँ पर ऐसे ओम राम रामायण ओम राम रामायण ओम इस तरीके से, ठीक है। या तो ज़्यादातर कुछ लोग क्या करते हैं, इसका एक कवर टाइप का आता है, ठीक है ना, गेरुए रंग का, उसके अंदर ही रहती है माला, उसी के अंदर जाप करते रहते हैं इस तरीके से। ये दो उंगलियाँ नहीं लगनी चाहिए, उसी में रहती है माला, या फिर इसको इस तरह यहाँ रख के कर सकते हैं, यहाँ रख के कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अच्छा, जब माला आप जाप कर रहे हैं तो ज़्यादातर लोग बोल के करते हैं, बोलने से भी फल मिलता है, होंठ हिलाकर करने से भी फल मिलता है, आँख मीच के करने से भी फल मिलता है। सबसे ज़्यादा फल जो मिलता है वो मानसिक करने से मिलता है। मानसिक का मतलब मन में, ना होंठ हिले ना जीभ हिले, और आँख बंद रहे इस तरह से, इस तरह से। ये मन से आवाज़ आ रही होती है जो आपके सारे के सारे चक्रों तक पहुँचती है, यहाँ तक, यहाँ तक पहुँचती है एनर्जी आपकी। मानसिक जो जाप होता है ना, जो मन में करते हैं बिना होंठ हिलाए, बिना ज़ुबान हिलाए, वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। और इसमें एक काम और कर सकते हैं आप, प्रभु की जो मूर्ति है उनकी आँखों की तरफ देख करके जाप कर सकते हैं मन में, या उनकी ज्योति जलाई है आपने, ज्योति की तरफ देख करके जाप कर सकते हैं, ऐसे ऐसे देखते रहेंगे जाप करते हैं, बहुत फल मिलेगा आपको, करके देखना। ये तो आँख बंद करके इस तरीके से बैठ कर, समझ रहे हो, जाप करने का तरीका ये होता है। पढ़ के भी कर सकते हैं, बोल के भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावशाली आप किसी भी वीडियो में देख लेना, कहीं पर भी देख लेना, या मैं वीडियो भी छोड़ूंगी आप, मैं आपको बोलता हूँ करके देखना, आपको सबसे ज़्यादा प्रभावशाली आपको मानसिक जाप मिलेगा। मन की शुद्धि होगी और स्ट्रांग होगा, एनर्जी बनेगी शरीर में, प्रभाव दिखेगा आपको, ठीक है ना। मानसिक जाप सबसे ज़्यादा करना चाहिए। अच्छा, अब एक चीज़ और, लोग पूछते हैं कि घर में करना चाहिए या मंदिर में करना चाहिए। मंदिर की जो मूर्तियाँ होती हैं वो सिद्ध मूर्तियाँ होती हैं, सिद्ध मूर्तियाँ होती हैं, तो ज़्यादातर जाप वहाँ कर सकें तो बहुत प्रभावशाली है। घर में करेंगे आप जाप तो समझ लीजिए थोड़ा फल कम मिलेगा आपको, मंदिर में जो करेंगे आप बैठ करके उसमें फल ज़्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। तो मंदिर में करने का, अगर आपके घर के पास मंदिर है तो मंदिर में कीजिए, बहुत अच्छा फल मिलेगा। घर में कर सकते हैं तो घर में कीजिए, मंदिर में 100% फल मिलेगा, घर में 30% 40% थोड़ा कम मान लीजिए, या एवरेजली बता रहा हूँ मैं, थोड़ा कम ही रहता है, क्योंकि घर की जो हमारी मूर्तियाँ होती हैं वो जागृत नहीं होती हैं, मंदिरों की जागृत होती हैं, है ना, उनका पूजा पाठ और अनुष्ठान करके उनको बिठाया जाता है, इसलिए वो जागृत मूर्तियाँ होती हैं, तो वो उसी तरीके से काम करते हैं, उसी तरीके से उनका प्रभाव होता है, ठीक है ना। तो मंदिर में जाप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लाल आसन नहीं होगा तो वैसा जो चटाई का आसन होता है मंदिरों में, वहाँ बैठा कर बैठ जाइए, जोत जला कर या धूप बत्ती जला करके बैठ जाइए, जाप करने शुरू कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, अब कुछ लोग पूछते हैं कुछ कि चलते फिरते जाप करना चाहिए या फिर एक जगह बैठ के करना चाहिए, या दोनों ही करने चाहिए, या फिर फल किस में ज़्यादा मिलेगा। भाई देखिए, आप किसी चीज़ का ध्यान, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ, टेलीविज़न देख रहे हैं आप, टेलीविज़न देख रहे हैं गौर से ऐसे एक जगह बैठ के, तो आपको फिल्म जो आप देख रहे हैं वो ढंग से समझ में आएगी, और वही फिल्म आप चलते फिरते देख रहे हैं, काम करते हुए देख रहे हैं, तो कौन सी ज़्यादा अच्छी रही, किसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा आप पर, बैठ के जो ध्यान से देख रहे हैं उस पर, समझ गए ना। तो बैठ के आप जाप करेंगे ध्यान लगा कर मानसिक, उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा, बहुत अति उत्तम होगा, मेरी गारंटी है। और चलते फिरते कर रहे हैं प्रभाव उसका भी है, लेकिन उतना नहीं है जितना बैठ के होता है। तो मानसिक जाप आप चलते फिरते काम करते भी कर सकते हैं, लेकिन 100% उसका फल आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपका और भी इन्वॉल्वमेंट है, और कामों में इन्वॉल्वमेंट है, जाने में चलने फिरने में इन्वॉल्वमेंट है, तो आपका पूरा ध्यान नहीं लग पाएगा वहाँ पर, समझ रहे हैं। जितना ध्यान लगाना होता है मंत्र जाप में, या चालीसा पढ़ने में, या बालाजी की भक्ति में, या राम जी का मंत्र पढ़ने में, उतना ध्यान आपका लग नहीं पाएगा, समझ रहे हैं। तो इसलिए हमेशा बैठ करके जाप कीजिए, चाहे 15 मिनट करें, बैठ के करें। ये तो प्रावधान जो है वो कम से कम 1 घंटा जाप करने का है, 1 घंटा बैठ के जाप जिस दिन आपने कर लिया ना इस तरीके से, सुबह शाम, आप देखना कितने चक्र खुलते हैं आपके, कितनी दृष्टि खुलती है आपकी, और कितना प्रभाव आपको देखने को मिलता है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि माला को किस तरीके से मार्केट से लेकर के आएँ, और किस तरीके से इस्तेमाल करें, और कैसे इसको जाप करना चाहिए, किन उंगलियों को इसे करना चाहिए, किन उंगलियों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मानसिक जाप में क्या फ़र्क है, बोलने वाले में क्या फ़र्क है, और ज़ुबान हिलाने वाले में क्या फ़र्क है, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कौन सा है,
चलते फिरते जाप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कितना फल किसका मिलता है किसका नहीं मिलता है, मंदिर में पूजा पाठ या मंदिर जाप करना चाहिए या फिर घर में करना चाहिए, मैंने आपको सभी चीज़ बता दी है। तो इस तरीके से आप जाप करेंगे आपको फल ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और हनुमान जी की पूजा में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट राम जी का नाम होता है, राम जी का नाम होता है। अभी भी देख लीजिए मेरे घर में क्या भजन चल रहा है, सुनाई दे रहा हूँ आपको, हनुमान चालीसा। आइए बस, तो हमारे यहाँ चलता रहता है राम जी का नाम, हनुमान जी का नाम। और आपको पता ही हमारे यहाँ जो जली रहती है बालाजी महाराज की, उनकी कृपा है और मैं चाहता हूँ वो कृपा आप सब पर भी पड़े। तो इस वीडियो से आप जो सीखेंगे उसको अपनाएं और उसको फॉलो करें। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय जय श्री राम।